अगर आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा। लेकिन बिजनेस रजिस्टर करवाने की बात आते ही पहला सवाल ये उठता है कि किस टाइप के बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराएं। आज इस वीडियो से जानते हैं कि बिजनेस कितनी तरह से रजिस्टर कराए जा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसका सिर्फ एक ही मालिक होता है, और इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारा मुनाफा सिर्फ आपका होगा, लेकिन सारा नुकसान भी आपको ही झेलना होगा। ऐसे बिजनेस में रिसोर्स और पूंजी सीमित रहती है। बता दें कि इसे शुरू करने के लिए ना तो किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है और ना ही ऑडिट कराने की जरूरत होती है। लेकिन अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो मालिक की निजी संपत्ति भी बिक सकती है। इसमें एक से अधिक लोग पार्टनर बनकर बिजनेस करते हैं और इसे कम से कम दो और अधिक से अधिक 20 लोग साथ मिलकर शुरू कर सकते हैं। इस तरह के बिजनेस में सबकी अलग अलग पार्टनरशिप होती है जो पहले से तय होती है। इस फॉर्मेट में मुनाफा भी सब में बढ़ता है और नुकसान भी सभी को झेलना पड़ता है। ऐसे बिजनेस को शुरू करने के लिए ना तो किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है और ना ही ऑडिट कराने की जरूरत होती है। इस फॉर्मेट में नुकसान होने की सूरत में पार्टनर्स की निजी संपत्ति भी बेची जा सकती है। इसे दो या दो से अधिक पार्टनर स्पेशल अग्रीमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और उनकी जिम्मेदारियां सीमित होती हैं। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के नियमों के तहत रजिस्टर कराना होता है और कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के द्वारा बनाई गई लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इस तरह के पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पार्टनर्स में कम से कम एक पार्टनर भारतीय होना चाहिए। कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ कंपनी की संपत्ति ही बेची जा सकती है, पार्टनर्स की संपत्ति सुरक्षित रहती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कानूनी रूप से एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है जिसका कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसमें कम से कम दो और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं, साथ ही कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। इसके 2 से 200 तक शेयर होल्डर हो सकते हैं। ऐसी कंपनी में विदेशी निवेश की भी इजाजत है और इसे स्केल करना यानी इसका विस्तार करना बहुत आसान हो जाता है।